देखिए, जब किसी का वैवाहिक मिलान होता है तो उसमें एक षडाष्टक शब्द का जिक्र आया है, और वह षडाष्टक दो प्रकार का होता है, एक बैरी षडाष्टक होता है और एक प्रीति षडाष्टक होता है। तो जो बैरी षडाष्टक होता है, इसमें ये दो राशियां जो हैं, उनसे भी दो राशियां जो बैरी षडाष्टक में आती हैं, वे एक दूसरे से छठे और आठवें भाव में रहती हैं, और छठे और आठवें भाव में होने के कारण उन दोनों राशियों में शनि और मंगल का प्रभाव रहता है, और शनि मंगल के प्रभाव के कारण उन दोनों के मध्य में आपसी व्यवहार जो है वो ठीक नहीं रहता है। जैसे मेष कन्या, तुला मीन, धनु वृष, मिथुन वृश्चिक और कुंभकर्ण, ये जो राशियों के युग्म आपको कहे गए हैं या जोड़े कहे गए हैं, इनमें बैरी षडाष्टक होता है, जिसके कारण इनमें यदि विवाह होता है तो मानसिक शारीरिक आर्थिक संकट भी इनको उठाना पड़ते हैं, आपस में तनाव होता है, दाम्पत्य सुख में कमी होती है, दाम्पत्य जीवन में कमी होती है, एक दूसरे से छठे आठवें भाव में होने के कारण यह बैरी षडाष्टक दुर्भाग्य को, संकट को, दुख को, रोग को और बीमारी चिंता इत्यादियों को देने वाला होता है। इसमें दूसरा षडाष्टक योग और कहा गया है, तो प्रीति षडाष्टक योग कहा गया है। इसमें ये जो राशियों के जोड़े हम आपको बता रहे हैं, जैसे वृश्चिक और मेष, वृष तुला, मीन सिंह, कर्क धनु और कन्या कुंभ, ये जोड़े में भी योग तो वैसा ही रहता है, किंतु इन राशियों के या तो स्वामी एक ही होते हैं या इन राशियों के स्वामी आपस में मित्र होते हैं, जिसके कारण यह षडाष्टक प्रीति षडाष्टक हो जाता है, जिसके कारण इनके बीच में मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है, आपस में सामंजस्य होता है और परिवार और एक दूसरे का कल्याण करने की भावना उनके अंदर रहती है, जिसके कारण इनका दाम्पत्य जीवन जो है सुख।